सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसोफिल्स के बारे में। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं रेगुलर वीडियोस अब नहीं डाल रहा। और गाइस, इसका कारण ये है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहा हूँ। और उसका कारण गाइस ये है कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है मुझे हमारी बैट्स और वीडियोस पर। और उसमें हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बताया कि सर आप ट्रीटमेंट तो अच्छा बताते हैं, लेकिन जो आपकी बोलने की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिससे मेडिसिन समझ में नहीं आ रही। और जब मैंने वीडियो को एडिट करते हैं उनसे जब मैंने पूछा, तब उन्होंने भी बताया कि सर आप थोड़ा स्पीडली बोलते हैं, जिससे जो कॉमन पर्सन हैं उनको मेरी बात समझने में प्रॉब्लम आती है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा सा काम करता हूं। और गाइस, इसी सिलसिले में अगर आप मुझे हेल्प कर सकें, अगर मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ गाइस मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उन गलतियों को फिर से ना दोहराऊं। ओके, तो आज की हमारी वीडियो है बेसोफिल्स के बारे में। और गाइस, जब कोई सीबीसी करवाता है तब उन्हें मोनोसाइट, इसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट के बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है। और मोनोसाइट और बेसोफिल्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सेल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते ब्लड में। लेकिन गाइस, जो वाइट ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये 5 तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। ये 5 तरह के सेल होते हैं जो कि फाइटर सेल होते हैं। ये शरीर में अलग अलग जगह पर काम करते हैं। ओके, तो जो बेसोफिल्स हैं इनका भी काम करने का तरीका अलग होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, शरीर में इनका काम क्या होता है, इनके कम होने पर और ज़्यादा होने पर ये शरीर में क्या इंडिकेट करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। तो बिना किसी डिले के हम सीधा हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बेसोफिल्स के बारे में बता देता हूँ कि बेसोफिल्स होते क्या हैं। ओके, तो गाइस, बेसोफिल्स हमारे वाइट ब्लड सेल मतलब कि लिकोसाइट का ही एक कंपोनेंट है। और बेसोफिल्स, बेसो का मतलब है बेस और फिल्स का मतलब है लव, प्यार करने वाला। तो इनका नाम बेसोफिल्स इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो रंग होता है नीले कलर का, ये जो बेस होता है एल्कलाइन, उससे ये अपना रंग ले लेते हैं। और रंग लेने के बाद जो इनका कलर है गाइस, ये ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए इन्हें बेसोफिल्स कहा जाता है। अब बात आती है कि इनका शरीर में काम क्या होता है। तो गाइस, जो बेसोफिल्स होते हैं ये शरीर में एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, पहला हिस्टामाइन और जो दूसरा है वो है हेपरिन। जो हिस्टामाइन है गाइस, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, मतलब ये हमारे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और जो यूट्रस होता है इनके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। साथ ही ये वैसोडाइलेटर होता है, जिससे जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के अंदर अच्छे से फ्लो होता है। और गाइस, थर्ड कि हमें जब भी कभी एलर्जी रिएक्शंस या कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, तब हमें शरीर इचिंग करता है, खारिश करता है, वो हिस्टामाइन के कारण होती है। दूसरा है हेपरिन। और गाइस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो हमारा ब्लड है शरीर में जो फ्लो हो रहा है, ये उनको क्लोट नहीं होने देते शरीर में, उनका थक्का नहीं जमने देते। आपने देखा होगा कि जब भी हमें चोट लगती है तो जब शरीर से खून बाहर आता है तो उसका थक्का जम जाता है और जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन ये ब्लड हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता उसका कारण गाइस
हेपरिन होता है और हेपरिन को बैसोफिल्स ही बनाते हैं, मतलब कि जो ब्लड है वो हेपरिन के कारण ही लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे बफर भी कहते हैं, जिससे जो हेपरिन है ब्लड में पीएच लेवल को रेगुलेट करता है, साथ ही ये जो रक्त है उसका तापमान रेगुलेट करके रखता है। तो गाइस हेपरिन और हिस्टामाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका फंक्शन बैसोफिल्स का हमारे शरीर में एक तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को इंडिकेट करना होता है, स्पेशली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइम गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही ये CD200 इनहिबिटर हैं, मतलब कि हर्परेक्स वायरस 6, हर्परेक्स वायरस 7 और हर्परेक्स वायरस 8 ये CD200 हेमालोग को प्रोड्यूस करते हैं। कई बारी ये बैसोफिल्स के प्रोडक्शन को भी बंद कर देते हैं, इसीलिए ये CD200 को बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इस प्रकार गाइस जो बैसोफिल्स हैं ये शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट दिस वायरस। अब बात करते हैं कि बैसोफिल्स की हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो गाइस जो बैसोफिल्स हैं उनकी हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज 0 से 2% होती है। जब हमारा ब्लड जांच के लिए जाता है लेबोरेटरी के अंदर, तब जांच के लिए 1 ml ब्लड जांचा जाता है। उस 1 ml ब्लड के अंदर सभी सेल्स को जाना जाता है, मतलब कि जो TLC, DLC होती है, ठीक है। तो जो वाइट ब्लड सेल हैं उनकी रेंज 4000 से 11000 के बीच में होती है, और जो DLC है मतलब कि डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, जिसमें 5 सेल आते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बैसोफिल्स, ओके। तो इनकी जो रेंज है वो अलग अलग होती है, नॉर्मल वैल्यू मैं बता रहा हूँ। तो 1 ml के अंदर जो 100 सेल हैं वो कितने परसेंट हैं ये बताया जाता है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट के अंदर। तो बैसोफिल्स 100 सेल के अंदर 0 से 2 होते हैं, क्लियर। यहाँ पर क्लियर है कि 100 सेल के अंदर बैसोफिल्स 0 से 2 सामान्य होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होते हैं इस कंडीशन को बैसोफिलिया कहा जाता है, और अगर ये कम होते हैं, अब गाइस देखिए इनकी जो नॉर्मल रेंज है ये 0 से 2 होती है 100 सेल के बीच में, लेकिन अगर ये कम होते हैं पूरी बॉडी में अगर ज़्यादा लिया जाता है तो उसे मापना तो देखिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए फ्लो साइटोमेट्री प्रोसेस होती है, उसके थ्रू देखा जाता है कि बैसोफिल्स कम हैं या नहीं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू पहले ही बहुत कम है, इसीलिए फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा देखा जाता है कि जो बैसोफिल्स हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी कम है, ओके। तो ज़्यादा होने को बैसोफिलिया और कम होने को बैसोपीनिया के नाम से जाना जाता है। बैसोपीनिया होने के कारण गाइस बहुत सारे हैं, जैसे सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर एलर्जीज, या फिर ये अर्टिकारिया की कंडीशन में, या फिर ल्यूकीमिया, या फिर लिम्फोमा जो कि एक ईचिंग वाली कंडीशन है जिसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में बैसोपीनिया कंडीशन देखी जाती है। तो गाइस आगे बात करते हैं बैसोफिलिया के बारे में, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे बोन मैरियो है ये बहुत अधिक मात्रा में श्वेत रक्त कणिकाओं को बनाना शुरू करती है, जिससे बैसोफिलिया की कंडीशन शुरू हो जाती है, मतलब कि जो बोन मैरो है ये वाइट ब्लड सेल को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करती है, जिससे जो बैसोफिलिया है उसकी कंडीशन डेवलप होती है। और जो कंडीशन है गाइज वो इस प्रकार है, जैसे माइलोप्रोलिफ्रेटिव डिसऑर्डर, जिसमें बोन मैरो बहुत अधिक मात्रा में वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनाना शुरू करती है, साथ ही इसका ही रूप है क्रोनिक
माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया जिसे CML के नाम से जाना जाता है, फिर प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस, आगे है इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोथीमिया, आगे है माइलोडिसप्लास्टिक सिंड्रोम। अब गाइस जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हैं इनको खास तौर पर केमोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है या फिर रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। अगर स्प्लीन में गड़बड़ी होती है, जो हमारी तिल्ली होती है, अगर उसमें गड़बड़ी दिखती है तो स्प्लीन को निकलवाया जाता है, मतलब कि स्प्लीनेक्टमी की जाती है। आगे है गाइस इन्फ्लामेशन की कंडीशन में भी बेसोफिलिया देखा जाता है, जैसे इसके आगे के टाइप हैं, मतलब इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज जिसे IBD कहते हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर रेमाटोइड आर्थराइटिस होने की कंडीशन में भी बेसोफिलिया देखा जाता है। आगे है गाइस एलर्जी। अब एलर्जी के भी आगे टाइप हैं, जैसे फूड एलर्जी, या फिर ड्रग एलर्जी, हे फीवर, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको बेसोफिलिया देखने को मिल सकता है। अब इस कंडीशन में एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है। आगे गाइस इन्फेक्शन के कारण भी बेसोफिलिया देखा जाता है, जैसे चिकन पॉक्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस होने की कंडीशन में भी बेसोफिलिया आपको देखने को मिल सकता है, या फिर गाइस सिरोसिस या फिर इरिटेटिंग बावल डिजीज में भी बेसोफिलिया देखने को मिल सकता है। अब इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, देखिए CBC में तो आपको बेसोफिलिया देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप अलग से कोई दूसरा टेस्ट करवाना चाहते हैं तो गाइस आप बोन मैरो टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर जेनेटिक टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, जिससे आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी जो बेसोफिल्स हैं वो कितने बड़े हैं या फिर कितने घटे हैं। तो गाइस ये तो इनका ट्रीटमेंट था। अब बात करते हैं कि अगर ये आपको कंडीशन दिख रही है और आप अगर उन कंडीशंस को इग्नोर करते हैं तब आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। तो गाइस एनलार्ज स्प्लीन की दिक्कत हो सकती है, मतलब कि जो उसकी तिल्ली है उसका आकार बढ़ सकता है, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, या फिर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, या फिर कई कई कंडीशन में गाइस ये कैंसर के होने को रिस्क को भी बढ़ा देता है। इसीलिए आपने कभी भी बेसोफिल्स के जो संख्या है, अगर उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिखती है तो आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें, या फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और गाइस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेसोफिल्स हैं अगर वो शरीर में बढ़ते हैं तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को इंडिकेट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ड्रग दी जाती है, कोई इंजेक्शन, कोई गोली, या कोई व्यक्ति किसी दवाई को ले रहा है, अगर उसे उस दवाई के कारण रिएक्शंस होती हैं, मान लीजिए कई बारी किसी और कंपनी की स्ट्रेंथ की दवाई ले लेता है, या फिर वो कंपनी को चेंज कर लेता है, और अगर वो गोली उसको सूट नहीं करती, वो दवाई उसको सूट नहीं करती, तो रिएक्शन होती है, या फिर कई बारी कोई ऐसी दवाई खाने पर उसको रिएक्शंस होती है। और साथ ही अगर उसके साइन और सिम्टम्स दूसरी बीमारी से मिलते जुलते हैं, अब क्या होता है कि मेरे साथ भी इंसिडेंस हुआ था, मैंने इट्राकोनाजोल कैप्सूल पेशेंट को दी और उसको इट्राकोनाजोल कैप्सूल रिएक्शन हुई थी। उसका पता मुझे कैसे लगा, मैंने CBC करवाई, उसमें बेसोफिल्स इंक्रीज हुए, जिससे मुझे पता लग गया कि जो ये इसकी रिएक्शन है वो ड्रग से हुई है, और जो उसके साइन और सिम्टम्स मिल रहे थे वो खसरे के साथ मिल रहे थे, मतलब कि मेलिस के साथ मिल रहे थे। तो ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन हुई है पेशेंट को ड्रग से वो अलग है या फिर मेडिसिन से हुई है। ओके, दूसरा, अगर आपके शरीर में कहीं पर इन्फ्लामेशन हुई है, अब यहाँ पर गाइस अगर आपको इन्फ्लामेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फ्लामेशन एक तरह की आप सूजन मान सकते हैं, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप
किसी को थप्पड़ मारते हैं, जोर से चाटा मारते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 साइंस दिखने को मिलेंगे। पहला है गर्मी, थप्पड़ मारने पर जिस एरिया पर थप्पड़ पड़ता है वहाँ पर गर्मी होती है। दूसरा, वहाँ पर लाल टाइप का एरिया हो जाता है जहाँ पर थप्पड़ पड़ता है, रेडनेस आती है। तीसरा, वहाँ पर स्वेलिंग आती है। फोर्थ, वहाँ पर पेन होता है। और जो फिफ्थ है, वहाँ पर डेड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो गाइस, बेसोफिल हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो थी बेसोफिल्स के बारे में। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो गाइस, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो गाइस, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।